अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग, और उससे पहले आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी जो है कि पहले की तरह कंसिस्टेंटली आप लोग वीडियो नहीं देख सकते। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी है, जिसकी वजह से बाहर निकलने को भी जो है कि दिल नहीं करता। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि टाइम की शॉर्टेज है, साइट पर काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे हसास एरियाज़ हैं जहाँ सिग्नल भी नहीं होते और वहाँ पर जो है कि फोटोग्राफी वगैरह या वीडियोस बनाना भी जो है कि वो ममनू है। तो आज संडे था, आज मूड था कि बाहर जाएंगे दुबई सिटी की तरफ, लेकिन कुछ काम थे जिसकी वजह से जो है कि दुबई सिटी की तरफ नहीं जा सके। आज का जो प्लान था वो ये था कि ग्लोबल विलेज, यहाँ पर एक जगह है दुबई सिटी के अंदर, और उसमें तकरीबन हर कंट्री की जो फेमस या कुछ मखसूस विजिटिंग पॉइंट्स टाइप चीज़ें हैं, जैसे कि पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है, या इसके अलावा कोई और दो चार तारीखी मकामात हैं। इसी तरह उन्होंने तकरीबन हर कंट्री की जो है कि कलेक्शन लेकर यहाँ पर कुछ एरिया है वहाँ पर उस ग्लोबल विलेज में उन्होंने वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है कि जगह बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग पॉइंट है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो नेक्स्ट वीक संडे वाले दिन इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे और आपको जो है कि ग्लोबल विलेज दिखाएंगे। बाकी अभी शाम का टाइम है असर के बाद का, और जो है कि जोहर के बाद हम सो गए थे, अभी थोड़ा देर के लिए बाहर निकले हैं, कुछ इधर लॉन्ड्री शॉप पे जाना है, वहाँ पर देने हैं कुछ क्लोथ्स वगैरह, और उसके बाद जो है कि कुछ मार्केट में कुछ चीज़ें जो है वो लेनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, थोड़ी बहुत हेयर कट करवानी है। तो अभी निकले हैं बाहर की तरफ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ छोटी सी जो है कि वीडियो या छोटा सा व्लॉग जो है कि वो शेयर करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। इधर गर्मी की बहुत शिद्दत है, इस वजह से मेरे ख्याल में आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसका जो गर्मी का तोड़ है वो तरबूज है, पानी है, दबा कर पिए जैसा कि हम लोग भी पी रहे हैं। अभी हम अपने घर से जो है कि वो आपने देखा होगा ट्रक के पीछे, बल्कि मज़दा है मज़दे के पीछे जाकर वहाँ कहीं पर हमारी इंट्रेंस है, जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ से निकले हैं अभी तकरीबन यहाँ से पैदल 5-7 मिनट लगेंगे हमें, मार्केट है, बकाला बोलते हैं यहाँ उसको, एक छोटी सी शॉप है, और वहाँ पे 3-4 और भी शॉप्स हैं, उसके अलावा जाके यहाँ की बड़ी सुपर मार्केट है। पहले हम बकाले पे जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा काम है, उसके बाद सुपर मार्केट की तरफ, तो दिखाते हैं आपको रस्ते में जो है कि आपने देखो सूर्य अस्त अस्त मगरब की तरफ जा रहा है, ग्रूप होने के नज़दीक है, ये शाम का सीन है, और ये साथ वाले घर, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ है। और अभी जो मज़े की बात है वो ये है कि हमने एक इस साइड पे कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है कि ढूंढ लिए हैं, और वहाँ पर जाके हम दूध वगैरह ले आते हैं फ्रेश, और हमें बहुत ज़्यादा जो है कि अच्छी प्राइस पे मिल जाता है, तकरीबन 2.25 लीटर दूध हमें 10 दिरहम में मिल जाता है, और जो दिरहम का आज का रेट चल रहा है वो तकरीबन 775 समथिंग है। तो हम आजकल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं दूध वगैरह। ये जनाब रास्ता दुबई सिटी की तरफ जाता है, पीछे मेन रोड है, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, मेन रोड है, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे है
शेख जैद रोड है यहाँ पे। और सूरज के जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी चढ़ाव की तरफ है, सॉरी उतराव की तरफ है, रूप होना स्टार्ट हो गया अभी। ये देखिए जी माशाल्लाह खजूरें चमकती दमकती हुई खजूर के दरख्त। अभी खजूर का जो सीजन है वो बहुत नजदीक आ चुका होगा और बहुत ही जबरदस्त जो है कि सीन है। ये देखें जी यहाँ पर हम आए हैं कपड़े वगैरह अपने धुलवाने के लिए। कब मिलेगा? परसों। ये बंगाली लैंग्वेज है? चलो ठीक है आंसर। तीन पीस हैं? ठीक है। ये जी बाहर का देखें माहौल मार्केट। ये यहाँ पे छोटा सा बकाल है, जैसे छोटी मार्केट से निकल पड़े हम बड़ी मार्केट की तरफ। अभी उधर जाते हैं, यहाँ पर हमने कपड़े देने थे वो दे दिए। अभी वो भाई जो है कि वॉश करेंगे और कह रहे हैं कि आपको दो दिन में, मतलब परसों वाले दिन आप जो है कि यहाँ से आकर अपना जो कपड़े हैं आपके आप उठा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सारा जंगल ही जंगल है। अल्फका इस एरिया का नाम है, गांव है। ये इस तरह अक्सर आप वीडियो देखें देखते हैं दुबई का गांव वगैरह। ये जो चीज़ है ना रोड के ऊपर, ये अगर आप नोट करें आपको मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द ऊँट वगैरह जो है कि बहुत ज़्यादा है, ऊँट वगैरह काफ़ी मकदार में है। तो ये आगे मेन रोड है, जो बड़ा रोड है जहाँ से आ रहे थे आगे, उसके जाके मेन रोड के साथ वो जाके लिंक होता है। तो ये जितने भी रोड हैं जो इस रोड के साथ इनका कनेक्शन है या लिंक होते हैं, वहाँ पर जो हर रोड के किनारे पर ये लगाया गया। और बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर फेंस लगी हुई है। ये देखें यहाँ से करीब में ये कम्प्लीटली तौर पर, मतलब कोई भी चीज़ रोड पर नहीं जा सकती सिवाय इस रास्ते के, ये जो रास्ता है। तो ये इसलिए लगाया गया कि इस पर जब कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ जहाँ से गुजरती है तो आवाज़ आती है। अभी पता नहीं ये आवाज़ की वजह से ऊँट पीछे की तरफ चला जाता है वापस, या फिर जो है कि इसके ऊपर उसके पाँव स्लिप होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन इसकी रीज़न जो है कि वो यही है कि जब यहाँ से ऊँट वगैरह आते हैं गुजरते हैं तो इस पर पाँव लगते हैं तो वो फिर आगे की तरफ नहीं जाते, मेन रोड पर नहीं जाते। और मेन रोड पर नहीं जाते तो एक्सीडेंट नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होते तो माहौल जो है कि पूरा अमन रहता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए तो दिन के टाइम अगर एक्सीडेंट होता है तो वो गाड़ी वाला जिम्मेदार होता है उसका, और जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो गाड़ी वाले को ही करने पड़ते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता रात के टाइम एक्सीडेंट होता है, मैं जो एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ ये ऊँट के एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी के साथ अगर ऊँट लग जाता है तो रात टाइम अगर होता है तो फिर जो है कि जो ऊँट का मालिक होता है वो जिम्मेदार होता है इस चीज़ का। तो वो सब कुछ फिर जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या इंश्योरेंस वगैरह का जो भी सीन होता है वो उसके जिम्मे होता है। तो जा रहे हैं अभी बिग सुपर मार्केट की तरफ जहाँ से हमने बाल वगैरह बनवाने, तो दिखाते हैं हम। अभी हम जा रहे थे सुपर मार्केट की तरफ, रास्ते में एक बहुत बड़ा जो है कि डेरा टाइप में ज़रा बोलते हैं इसको यहाँ पर नज़र आया, तो हमने क्या आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से किस तरह से ये लोग अपने अरबी लोग जो है कि डेरे बना के रखते हैं। हमारे वाला जो है वो छोटा है, वहाँ पर विला है, जब कभी वो लोग आते हैं वो इंजॉय करते हैं झूले वगैरह लगे। और यहाँ पर जो है कि ये कम्प्लीटली तौर पर इन्होंने सब्जी वगैरह शायद अंदर लगाई हुई हैं, अंदर जा के देखते हैं। बकरियाँ वगैरह हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, यहाँ की खूबसूरत भेड़ें हैं बकरियाँ, तो शायद उधर से जाता है रास्ता। आप लोग ये फॉर्म वगैरह देखें इनके खूबसूरत, और ये यहाँ पर बना हुआ है फुटबॉल का ग्राउंड छोटा सा, घर के अंदर ये सब चीज़ें, वो छोटे बच्चों के लिए भी अंदर पोल वगैरह लगे हुए हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। ये देखें जी हाँ इस साइड पर ये रेडी लोड हुई हुई है, जगह जगह पर जो है कि सफाई का आप देखें, सफाई का कितना ज़बरदस्त इंतजाम है, जगह जगह पर यहाँ पर वो लगे हुए हैं बास्केट वगैरह। ये देखें यहाँ पर बकरियाँ वगैरह पेड़े वगैरह हर चीज़ यहाँ पर है, वो भाई जो है कि इनकी देखभाल कर रहे हैं। देखें कितनी खूबसूरत पेड़े हैं,
यहाँ पर एक और नस्ल के हैं, इनकी गर्दन काली है, ब्लैक। देखें हर किस्म की, तरह किस्म की वैरायटी आपको नजर आएगी। ये यहाँ पर मुर्गी फॉर्म है, ये देखें काफी ज्यादा बच्चे हैं, काफी ज्यादा मकदार में बच्चे शच्चे निकले हुए हैं यहाँ पर, और ये बड़े होकर अंडे वगैरह देंगे। बहुत ही जबरदस्त किस्म की फॉर्मिंग है, काफी खूबसूरत है। तीतर वगैरह भी हैं अंदर, परिंदे हैं काफी। यहाँ पर ये लोग सब्जियां वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई है, आपको जो है कि दिखाते हैं सब्जी वगैरह। ये यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है, ये देखें ये एग्जॉस्ट लगे हुए हैं बड़े, यहाँ पर कूलिंग वगैरह हो रही है। इसके अंदर जो है कि फिर जड़ी बूटियाँ पौधे वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। ये देखें यहाँ पर अंदर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, इनके शायद टेम्परेचर इन्होंने ऊपर से पर्दा हटा दिया। ये देखें अंदर फल वगैरह भी लगे हुए हैं, शायद ये मिर्च है। तो ये ही यहाँ पर इस तरह का ये सीन बना हुआ है कम्प्लीटली तौर पे। और अंदर फिर अभी अंदर ठंड होगी, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन होगा। देखिए यहाँ पर पंखे वगैरह लग रहे हैं, अंदर जाके सब्जी वगैरह है सब कुछ है। ये क्या मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ की खूबसूरत जगह। और यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल में जानवरों के लिए लगाए हुए, ये यहाँ पर शेड वगैरह नहीं है, ले हम पानी वगैरह लगाते हैं। ये देखें जी बहुत बेहतरीन सिस्टम है, वो वहां पे मेन गेट है। ये खजूर देखें जी बहुत नीचे तक पौधे, आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं, इतने नीचे नीचे तक लगे हुए हैं। ये देखें जी कद्दू शरीफ सब्जी वगैरह लगी हुई है, इन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के इसको मेंटेन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? हाँ मैंने नहीं पूछा आप कहाँ से, थोड़ा ऊंचा बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। ये जी हमारे प्यारे दोस्त पख्तून दे जमा मलगर पख्तून दे जमा पश्तो फिनिश दे नहीं है, पश्तो तो सबसे प्यारा जबान है ना, जमा पश्तो फिनिश दे। तुम्हारा भी मीठा लगता है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है और प्यारा लगता है। तो कितना अर्सा हो गया दुबई में काम करते हुए आपको? 13 साल है। कोई मजे की बात बनाओ, ऐसे हो गया मिनट में जैसे कल आया था आप? नहीं का बात नहीं है, लेकिन ये जिंदगी चल रहा है बस। तो 13 साल से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुख्तलिफ डिप्टी किया। मुख्तलिफ से क्या मुराद है? मुख्तलिफ कौन सी फील्ड है? अच्छा, गाड़ी चलाया, पैसेंजर चलाया, घर का ड्यूटी किया। वो मैंने एक देखा था पठान, वो एक जहाज जहाज के कार्बोरेटर पे कचरा आ गया था, उसने ठीक किया आसमान पे जाके। आपने कभी किया? पठान हर चीज पे करता है, थोड़ा सा दिमाग होता है, हर चीज काम करता है। वो पठान भाई बोल रहा था कि जहाज 2 घंटे आसमान पे खड़ा रहा, हमने कार्बोरेटर से कचरा साफ किया। सूर्य गरूब हो गया, आज मगरब की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को बोलो इसको सब्सक्राइब करें, अफगानिस्तान से पश्तो में बोलो। पश्तो में वो अफगानिस्तान खान को द्वारा लिए सर आप दावे को छे पल हिम्मत पल कोशिश मां भाई कोशिश को कच्ची को मखलो छे अंदर के दड़ा की पुशोन ने पुट्टा पुट्टा रखा था। मैंने ये नहीं बोला कि आप उनको पैगाम दो, मैंने बोला उनको बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई जरूरत नहीं, खुद खुद वो देख सकते हैं, जो कोई नई इंटरव्यू होते हैं ना वो पिक पार्ट लगा देता है। पेशावर के लोगों को केपीके पाकिस्तान आपके उधर दोस्त है ना, पठान दोस्त है, आप चकवाल गए थे जेल में हो गया ना, तरक्की देने वाला तो वही आदमी है, वो आ जाएगा। आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? बोलते हैं इमरान खान बुलाएगा, लेके जाओ आएगा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा वक्त आएगा, आएगा हमारा तुम्हारा जिंदगी जब गुजर जाएगा वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, फिर हम फिर मुलाकात करेंगे। आप चकवाल गया था आपने बोला उस दिन?
شمال لے گیا سرگوجا. تو آپ ویزا لے کے گئے یا بغیر ویزا گئے؟ ویزا کیا ہے کے لیے ویزا ویزا نہیں جاتا ہے, پورا دنیا میں گھومتا ہے. دبئی میں تو ویزا لے گیا. اچھا کوئی بھی ہے ابھی آئے ہم یہاں پر, یہاں سے لیتے ہیں کپڑا اور کپڑے کے بھائی. یہ بھائی یہ دیکھیں آپ, یہ کندورا بنا رہے ہیں, چوبا بنا رہے ہیں, بنگلہ دیش سے. آپ سب لوگ بنگلہ دیش سے ہیں؟ اور ادھر سے لیتے ہیں جناب ایک سوٹ, اس کے بعد سلائی کے لیے دیتے ہیں یہاں پر. آج پہلے وائٹ والا بنوایا تھا, آج دل کر رہا ہے جو ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے کہ کلر والا کپڑا لیتے ہیں. تو پھر جب بن جائے گا پھر آپ کو پہن کر بھی دکھائیں گے. نماز وغیرہ پڑھ لیے جناب, اور ابھی گھر کی طرف چلتے ہیں. بال وغیرہ ابھی تک نہیں کٹ رہے, کٹوا کر ان شاء اللہ چلتے ہیں گھر کی طرف. اور ویڈیو جو ہے کہ کافی لمبی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ.